गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हेमंत मीणा हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर वाला पर आपका वेलकम करता हूँ। आपने पिछली क्लास में क्या देखा था? पिछली क्लास में आपने पढ़ लिया था एग्रीकल्चर के विभिन्न उत्पादों से संबंधित जो खेती करते हैं उसकी कौन कौन सी, उसको क्या बोलते हैं, जैसे अंगूर खेती, विटीकल्चर बोलते हैं, उन सब चीज़ों को अपन ने देख लिया था। उसके बाद में अपने ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर देख लिया था, जैसे पोमोलॉजी हो गया, एग्रोनॉमी हो गया, इन सब चीज़ों को देख लिया था। उसके बाद में अपन ने क्या देखा, अपन ने देख लिया था फादर, विभिन्न डिसिप्लिन मतलब एग्रीकल्चर से संबंधित जो डिसिप्लिन है उनके जनक या फादर कौन कौन है उनको देख लिया था। अपन ने क्या किया था, सभी फादर जो एग्रीकल्चर में जितने भी इम्पोर्टेंट किताब जो फादर या जनक है उनको एक जगह लाकर, मिल तो आपको बुकों में वो सब मिल जाएंगे लेकिन बुकों में कहाँ मिलेंगे, जैसे एग्रोनॉमी पढ़ते हो तो एग्रोनॉमी का पिताजी मिलेंगे, फादर ऑफ एग्रोनॉमी मिलेंगे, सोयल साइंस पढ़ते हो सोयल साइंस के फादर मिलेंगे। इसलिए अब उनने उन सब जो फादर है उनको एक जगह एक लिस्ट अनलिस्ट या लिस्टेड कर दिया है, मतलब एक जगह अपन ने उनको पढ़ लिया है। और आपने उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको नोट भी कर लिया होगा, और नहीं किया हो तो वीडियो को रोककर उसको नोट कर लेना क्योंकि बहुत ही जरूरी है। जिस टाइम आप रिवीजन करोगे ना उस टाइम आपको बहुत काम आएगा क्योंकि आप अलग अलग जगह से पढ़ोगे तो आपको ध्यान नहीं रहेगा, और रिवीजन सबसे जरूरी है। चीज़ों को पढ़ना ज़्यादा जरूरी नहीं है, पढ़ने में तो अपन 10 बुक पढ़ ले, लेकिन फिर वही बात होगी कि 10 बुक पढ़ लिया और रिवीजन नहीं कर पाया और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, अपन कन्फ्यूजन है और कन्फ्यूजन में हमेशा क्वेश्चन गलत होते हैं। तो अपन को जैसे जैसे मैं पढ़ाता हूँ जा रहा हूँ वैसे वैसे आपको पढ़ते जाना है, ठीक है। आज अपन क्या पढ़ेंगे, आज अपन जनरल एग्रीकल्चर का ही पार्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, जनरल एग्रीकल्चर में, जनरल एग्रीकल्चर अपन का जनरल एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था और अभी वही चल रहा है जनरल एग्रीकल्चर। आपको पता ही है कि जनरल एग्रीकल्चर की क्लास शाम में इवनिंग में 7 बजे रहती है और सोयल साइंस क्लास मॉर्निंग में 11 बजे रहती है, तो दोनों सब्जेक्ट अपने चल रहे हैं। जनरल एग्रीकल्चर जैसे खत्म होगा उसके साथ ही आसपास ही सोयल साइंस खत्म हो जाएगा, फिर अपना क्या क्या कवर हो जाएगा, एग्रोनॉमी अपन पढ़ लिया, जनरल एग्रीकल्चर अपन ने पढ़ लेंगे और सोयल साइंस भी अपना खत्म हो जाएगा। 3 सब्जेक्ट अपने जो मेजर सब्जेक्ट है वो खत्म हो जाएंगे, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। तो बात कर लेते हैं आज जनरल एग्रीकल्चर में, आज अपन क्या पढ़ेंगे, जी आई टेक। अब जी आई टेक क्या होते हैं, जी आई टेक का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिक इंडिकेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं, भौगोलिक सांकेतिक, ये बोलते हैं जियोग्राफिक इंडिकेशन, भौगोलिक सांकेतिक। अब इस जीआईटेक का मतलब क्या हुआ, जीआईटेक का क्यों दिया जाता है, जीआईटेक इसलिए दिया जाता है कि किसी विशिष्ट एरिया की कोई उत्पाद है, कोई प्रोडक्ट है, तो उसको पहचान दिलाना, विश्व में उसको पहचान दिलाना, उसको उत्पादन को बढ़ावा देना या उसको विशेष पहचान दिलाने के लिए जीआईटेक जियोग्राफिक इंडिकेशन टैग दिया जाता है। तो आपको इसको ध्यान रखना है, जीआईटेक क्यों दिया जाता है, जीआईटेक किसी विशिष्ट उत्पाद को विशिष्ट क्षेत्र में जहां वो उत्पादन होता है उसको विशिष्ट पहचान दिलाना और उसको प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, इसलिए जीआईटेक दिया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जीआईटेक की शुरुआत कब से हुई और देता कौन है। तो जीआईटेक की शुरुआत कब से हुई, इसका जो एक एक्ट है, इसकी शुरुआत का, जीआईटेक की जो शुरुआत है उसके लिए एक एक्ट बना है, एक्ट बना है। शुरुआत कब हुई थी, 1999 में शुरुआत हुई। रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या है, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट, ये इसका एक्ट है। 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी जीआईटेक की, और इसका जो एक्ट है रजिस्ट्रेशन और प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोटेक्शन का मतलब क्या, संरक्षण देना। तो वही बात होगी, जीआईटेक के द्वारा विशिष्ट क्षेत्र के विशिष्ट उत्पादों को अपन संरक्षण दे देते हैं। संरक्षण देने से क्या होता है कि उसको विशिष्ट क्षेत्र में उसको विशिष्ट पहचान बन जाती है, जिससे इसलिए जीआईटेक दिया जाता है। अब दिया किसके द्वारा जाता है, ये भी बात करते हैं। जो जीआईटेक दिया जाता है कॉमर्स डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट
कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है। जीआईटी किसके द्वारा दिया जाता है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, आपको इसको क्या रखना है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कंट्रोलर होते हैं, कंट्रोलर होते हैं, फिर उसका पेटेंट होता है, फिर डिजाइन होता है, कंट्रोल होता है, पेटेंट होता है, डिजाइन होता है, और फिर होता है ट्रेड, ट्रेडमार्क। तो ये क्या है, ये देखो मैं आपको बताऊं, देखो भाई जब किसी चीज को जीआई टैग दिया जाएगा, किसी भी चीज को जीआई टैग अगर दिया जाएगा, तो जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है, कॉमर्स और इंडस्ट्री जो डिपार्टमेंट है, तो उसको जीआई टैग देगा। तो ऐसे आपके कहने से जीआई टैग नहीं देगा कि आप चले जाओ वहां पे कि हमें जीआई टैग चाहिए, ऐसे नहीं मिलेगा। पहले वो क्या करेगा, वहां के जो कंट्रोलर है, वहां की जो टीम है, उसको देखेगी कि वाकई में वो विशिष्ट क्षेत्र में उसका उत्पादन होता है कि नहीं होता है, ये सब वो देखेगी। उसको देखने के बाद में उसका पेटेंट करेगी कि जो बोल रहे वो सही है, कि उसी चीज का जो उत्पादन है उसका सर्वोत्तम उत्पादन उसी पर्टिकुलर एरिया में होता है कि नहीं होता है, तो उसको ट्रेडमार्क दिया जाए, उसके बाद में उसको जीआई टैग दिया जाता है। तो आप ये नोट कर लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आपने इसको नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो वीडियो को स्टॉप कर आप उसको नोट कर लेना। आगे देख लेते हैं, ये टैग में आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, आगे इसमें देखो जीआई टैग कब लागू हुआ था, इसको जो रजिस्ट्रेशन एक्ट हो तो 1999 में हुआ था, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट, लेकिन इसको लागू कब किया गया, तो लागू किया गया 2003 में, 2003 में जीआई टैग को लागू किया गया, 2003 में जीआई टैग को लागू किया गया, कब हुआ, 2003 में इसको लागू किया गया। और सबसे पहला जो जीआई टैग है इंडिया में, सबसे पहला जो जीआई टैग है वो किसको दिया गया, तो देख लेते हैं, फर्स्ट जीआई टैग इन इंडिया किसको दिया गया, फर्स्ट जीआई टैग दार्जिलिंग टी को, दो ये पश्चिम बंगाल में, कहाँ दिया गया, पश्चिम बंगाल में, कब दिया गया, 2004 में दिया गया, दार्जिलिंग टी को सबसे पहला जीआई टैग दिया गया इंडिया में, दार्जिलिंग टी को पश्चिम बंगाल में, कब दिया गया, 2004 में। अब अपन सारों की बात नहीं करेंगे, इंडिया की बात नहीं करेंगे, अपने लिए एमपी इम्पोर्टेंट है। एमपी में रिसेंट में आपने देखा होगा 2023 में ही दो उत्पाद है एग्रीकल्चर, उनको जीआई टैग मिला है। और अपन मेनली बात करेंगे एग्रीकल्चर के जीआई टैग की। जीआई टैग तो बहुत सारी चीजों के लिए दिया जाता है, जैसे महेश्वर की साड़ी के लिए, चंदेरी की साड़ियों के लिए, तो अपन उसकी बात नहीं करेंगे, अपन एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट की बात करेंगे, उत्पादों की यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो एमपी में टोटल कितने जीआई टैग दिए जा चुके हैं अभी तक, इनको याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है। एमपी में टोटल जीआई टैग कितने दिया है, जीआई टैग इन टोटल एमपी, टोटल जीआई टैग इन एमपी, टोटल जीआई टैग इन एमपी कितने दिए जा सकते हैं, टोटल जीआई टैग कितने दिए जा चुके हैं एमपी में, 19, कब तक, अप टू 2023 तक, मतलब अभी तक कितने दिए जा सकते हैं, 19 जीआई टैग दिए जा सकते हैं विभिन्न प्रोडक्ट्स में, एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सभी प्रोडक्ट्स में कितने जीआई टैग दिए जा सकते हैं, 19 उत्पादों को, 19 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाए, कब तक, 2023 तक। ठीक है, अब 2023 में किस किस को जीआई टैग मिला है वो देख लेते हैं, आप इसको नोट कर लेना, वीडियो को रोककर मैं साइड हो जाता हूँ। अब 2023 में किस किस को जीआई टैग मिला वो भी देख लेते हैं। सर्वती वीट को कहाँ मिला, एमपी में, कौन से जिले में,
सीओ एंड विदिशा डिस्ट्रिक्ट, सीओर और विदिशा जिले में यह डिग दिया गया सर्वोदय पीठ को अभी रिसेंट में। इसका जो आवेदन क्रमांक था किसके क्यों दिया गया है कि इसकी सुगंध और स्वाद के कारण, इसकी सुगंध और स्वाद के कारण इसको यह डिग दिया गया है, सुगंध और स्वाद के कारण दिया गया। इसका जो आवेदन क्रमांक है वो क्या था ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि रिसेंट का आवेदन क्रमांक क्या था 699। इसका आवेदन क्रमांक था 699, ये भी आपको ध्यान रखना है, रिसेंट की बात है, ठीक है। दूसरा 2023 में किसको दिया गया है, सुंदर जा, सुंदर जा, सुंदर जा आम मैंगो की एक वैरायटी है, सुंदर जा मैंगो, जा मैंगो, इसको भी जीआई टैग मिला है अभी रिसेंट में। तो ये कहां कौन से डिस्ट्रिक्ट को मिला है, रीवा डिस्ट्रिक्ट, कहां पे है सुंदर जा वैरायटी मैंगो की, रीवा डिस्ट्रिक्ट, रीवा डिस्ट्रिक्ट में। तो रीवा डिस्ट्रिक्ट में क्योंकि आप मैंगो का रिसर्च सेंटर कहाँ है एमपी में, एमपी में मैंगो का रिसर्च सेंटर कहाँ है, एमपी में मैंगो रिसर्च सेंटर है, मैंगो रिसर्च सेंटर है, मैंगो रिसर्च सेंटर इन एमपी, कहाँ पे गोविंदगढ़ रीवा के पास में एक जगह है गोविंदगढ़, वहाँ पे इसका रिसर्च सेंटर है मैंगो का गोविंदगढ़, ये भी आपको ध्यान रखना है, एमपी में मैंगो का रिसर्च सेंटर का गोविंदगढ़ का, ठीक है। तो ये सुंदरजा जो किस्म है किसकी आम की, इसको रिसेंट में ये टैग दिया गया है रीवा डिस्ट्रिक्ट में, रीवा डिस्ट्रिक्ट है संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और देख लेते हैं अपन सिर्फ एग्रीकल्चर के जीआई टैग पढ़ेंगे यहाँ पे, बाकी में नहीं पढ़ेंगे, ये तो 19 आ चुके हैं अभी तक, लेकिन कुछ साड़ियों को दिए कुछ मिठाइयों को दिए, तो अपन सिर्फ जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उन्हीं को पढ़ेंगे। आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो को रोककर आप उसको नोट कर लेना, ठीक है। आगे देखते हैं तीसरा जो जीआई टैग है वो दिया है मुरैना की गजक, आपने सुना होगा मुरैना की गजक के बारे में, मुरैना की गजक बहुत फेमस है और मुरैना की गजक के बारे में ऐसा बताया जाता है कि 100 साल पुरानी है, मतलब 100 साल से भी ज्यादा वर्षों से पुरानी है। तो मुरैना की गजक, मुरैना की गजक, इसको भी जीआई टैग मिला है एमपी में, मुरैना गजक, मुरैना गजक, इसको भी जीआई टैग मिला है एमपी में, मुरैना की गजक। किससे खाद्य पदार्थ से संबंधित है और एग्रीकल्चर से संबंधित है, किससे बनती है गजक, गुड़ और तिल के मिक्सर से, इसलिए ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है, तिल हो गया मुरैना की गजक। चौथा दिया, चौथा अब आगे देख लेते हैं, देने में बहुत सारे दिए हैं, ग्वालियर की काकर को भी मिला है, चंदेरी की साड़ी को मिला है, महेश्वर की साड़ी को मिला है, लेकिन अपन सिर्फ एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे कि एग्रीकल्चर में किस किस को मिला है, ठीक है। चिन्नौर चावल पिछले साल मिला था, चिन्नौर राइस कौन से डिस्ट्रिक्ट में जीआई टैग मिला है, बालाघाट, एमपी का बालाघाट जिला, इसको जीआई टैग प्राप्त है चिन्नौर चावल को। एक है नागपुर ऑरेंज, नागपुर कहाँ है यूपी में, लेकिन इसको जीआई टैग जो मिला है नागपुर ऑरेंज को एमपी और महाराष्ट्र दोनों में, नागपुर कहाँ है महाराष्ट्र में, लेकिन नागपुर ऑरेंज को जो जीआई टैग मिला है वो कहाँ कहाँ मिला है, एमपी को भी मिला और महाराष्ट्र को भी मिला, दोनों को इसका जीआई टैग प्राप्त है नागपुर ऑरेंज का। कड़कनाथ की बात कर लेते हैं, कड़कनाथ सबसे फेमस है, कड़कनाथ को जीआई टैग किसको मिला है, झाबुआ जिले को, कड़कनाथ में जो जीआई टैग मिला है कहाँ मिला है, झाबुआ जिला एमपी के झाबुआ जिले को। अब इसको इसकी कुछ विशेषता है, इसका मांस जो होता है काला होता है, इसका मांस काला होता है इसलिए ये फेमस है, इसलिए इसको जीआई टैग दिया गया है, कहाँ दिया गया है एमपी के झाबुआ जिले को। मैं सेट हो जाता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स,
अपने देख लिया जीआई टेक सबसे पहला कॉफी को मिला था, टी को मिला था, सबसे पहला दार्जिलिंग टी को मिला था 2004 में, लागू कब हुआ 2003 में, एक तो कौन सा है 1999 में। जीआई टेक में जो दिया जाता है किसी भी प्रोडक्ट को विशेष क्षेत्र में उसको प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और विशेष पहचान देने के लिए जीआई टेक दिया जाता है। तो अपने जीआई टेक की बात कर लीजिए, जीआई टेक के बारे में अपने एमपी के जीआई टेक देख लीजिए किस किस को मिला है। अभी सर्वाधिक गेहूँ को मिला है विदिशा और सीहोर जिले में, दूसरा जो अभी मिला है सुंदरजा वेराइटी आम की उसको मिला है रीवा डिस्ट्रिक्ट में, रीवा में मैंगो रिसर्च सेंटर है गोविंदगढ़ में, रीवा के गोविंदगढ़ पास में ही है रीवा से, वहाँ पे रीवा जिले में लगता है, तो वहाँ पे मैंगो रिसर्च सेंटर है गोविंदगढ़ में, वो देख लिया। फिर हमें देख लिया मुरैना की गजक को जी आई टेक प्राप्त है, और मुरैना की गजक क्यों लिया अपने यहाँ पे खाद्य पदार्थ संबंधित जी आई टेक टोटल कितने एमपी में मिल चुके हैं 19 प्रोडक्ट को जी आई टेक मिल चुके हैं एमपी में, लेकिन अपन को 19 नहीं पड़े क्योंकि अपने एग्रीकल्चर से संबंधित ही पढ़ना है, ठीक है। चिंगोर चावल को मिला है बालाघाट जिले में, नागपुर ऑरेंज को मिला है एमपी और महाराष्ट्र दोनों में, कड़कनाथ को मिला है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। मैं साइड हो गया, अब आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये हो गया अपने जी आई टेक। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड फूड प्राइज की, वर्ल्ड फूड प्राइज कैसे शुरुआत हुई, वर्ल्ड फूड प्राइज की पहला किसे दिया गया, रिसेंट में किसे दिया गया, ये अपन देखेंगे। वर्ल्ड फूड प्राइज के बारे में देखेंगे, वर्ल्ड फूड प्राइज, वर्ल्ड फूड प्राइज, वर्ल्ड फूड प्राइज के बारे में देखेंगे। अब वर्ल्ड फूड प्राइज की शुरुआत कैसे हुई, वर्ल्ड फूड प्राइज की शुरुआत कैसे, इसकी एक कहानी है। जो नॉर्मल गोलोक साहब है मेक्सिको में, ये इन्होंने वीट के ऊपर शक की थी, नॉर्मल गोलोक साहब है, इनको नॉर्मल गोलोक साहब को नॉर्मल गोलोक साहब को 1970 में क्या दिया गया था, नोबल पीस प्राइज, क्या दिया था, नोबल पीस प्राइज, नोबल शांति पुरस्कार, नोबल शांति पुरस्कार पुरस्कार दिया गया, क्यों दिया गया था, ग्रीन रेवोल्यूशन के संबंध में दिया गया था, क्योंकि ये विश्व में ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति लाए थे, आपको बता। तो इनको क्या दिया गया था, नोबल पीस प्राइज दिया गया था, नोबल शांति पुरस्कार दिया। तो बोलो साहब के दिमाग में एक बात आई कि अगर मुझे नोबल शांति पुरस्कार दिया गया तो ऐसे तो बहुत सारे लोग जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अलग अलग फील्ड में एग्रीकल्चर रिलेटेड फील्ड में काम कर रहे हैं, अगर क्यों ना उनको भी कोई प्राइज दिया जाए जिससे उनकी इच्छा जागृत हो और वो अच्छा काम करें, और अभी भी अच्छा काम कर रहे हैं और उनको आगे चल के बहुत अच्छा काम करें, तो क्यों ना उनके लिए भी एक प्राइज दिया जाए। तो ये गए नॉर्मल वो लोग गए, किसके पास गए, ये चले गए जनरल फूड कॉरपोरेशन के पास, जनरल फूड कॉरपोरेशन किसके पास चले गए, जनरल कॉर्पोरेशन के पास चले गए, जनरल फूड कॉर्पोरेशन के पास नॉर्मल गोलोक साहब चले गए। इन्होंने वहां जाकर कहा था कि अगर मुझे ग्रीन रेवोल्यूशन के क्षेत्र में काम करने से नोबल शांति पुरस्कार मिला है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्यों ना उनके लिए भी एक प्राइज डिसाइड किया जाए जिससे वो बहुत उत्साहित हो और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अच्छा काम करें। तो जनरल फूड कॉर्पोरेशन के पास गए, तो उन्होंने इनकी बात को मान लिया और उन्होंने 1986 में घोषणा की, अनाउंसमेंट की, क्या अनाउंसमेंट की, कि वर्ल्ड फूड प्राइज दिया जाएगा, वर्ल्ड फूड प्राइज दिया जाएगा, जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अच्छा काम करेगा उसको वर्ल्ड फूड प्राइज दिया जाएगा। अब इसने 1986 में जनरल फूड कॉर्पोरेशन ने घोषणा तो कर दी, अब जब 1986 में घोषणा कर दी तो 1987 में पहला वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया, याद रखना 1987 में पहला फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज, वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया 1987 में, किसको दिया गया, एम एस स्वामीनाथन साहब को, एम एस स्वामीनाथन साहब को,
एमएस स्वामी नाथन साहब को, एमएस स्वामी नाथन साहब को पहला वर्ल्ड फूड प्राइज दिया था। पहला वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया एमएस स्वामीनाथन साहब को। क्यों दिया गया? इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के संदर्भ में, ग्रीन रेवोल्यूशन में अच्छा काम करने के लिए इंडिया में इनको वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया पहला। ग्रीन रेवोल्यूशन किससे संबंधित? फूड ग्रेन से संबंधित, फूड ग्रेन से संबंधित। आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन जो है फूड ग्रेन से संबंधित, यहां लिखता हूँ फूड ग्रेन से संबंधित, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले, फूड ग्रेन से संबंधित। तो इसके संदर्भ में पहला जो वर्ल्ड फूड प्राइज है वो किसको दिया गया? एम एस स्वामीनाथन साहब को दिया गया। अब आगे अपन देख लेते हैं और किस किस को मिला है, रिसेंट में किसको मिला है और कुछ पास्ट कुछ ईयर में किसको मिला है। वैसे पूछे जाने के चांस यही है कि पहला किसको मिला है और रिसेंट में 22 में 21 में या 20 में जो भी रिसेंट मिला है वो किसको मिला है, तो अपन उनको देख लेते हैं। याद रखना पहला किसको मिला? एम एस स्वामीनाथन साहब को। कब मिला है? 1987 में। क्यों मिला है? ग्रीन रेवोल्यूशन पे काम करने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे देख लेते हैं 2022 में वर्ल्ड फूड प्राइज किसको मिला है? ये मिला है सिंथिया रोजेनबर्ग को। सिंथिया रोजेनबर्ग को मिला है। किसको मिला है? सिंथिया रोजेनबर्ग को मिला है। सिंथिया रोजेनबर्ग को मिला है। ये नाम इसका औरत जैसा लेकिन मेल है, मेल पर्सन है। इसको मिला है सिंथिया रोजेनबर्ग को 2022 में मिला। अब क्यों मिला है? इन्होंने क्या किया था? इंपैक्ट ऑफ किस पे स्टडी की थी? इंपैक्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन क्लाइमेट एंड फूड सिस्टम। किस पे स्टडी की थी? सिंथिया रोजेनबर्ग को क्यों वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया 2022 में? इसलिए दिया गया कि इसमें इंपैक्ट ऑफ इंटरेक्शन कि इंटरेक्शन क्लाइमेट और फूड ग्रेन, जो क्लाइमेट और फूड सिस्टम है उनका एक दूसरे पर क्या इंपैक्ट पड़ता है उसकी स्टडी की थी, इसके लिए इनको वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया। आपसे ये मुश्किल पूछा जाए इसके चांस कम है, लेकिन ये पूछा जा सकता है 2020 का वर्ल्ड फूड प्राइज किसको दिया गया? सिंथिया रोजेनबर्ग को दिया गया और एक मेल पर्सन है। ठीक है, आगे दूसरा देख लें 2021 में किसको मिला? 2021 में किसको मिला वर्ल्ड फूड प्राइज? शकुंतला हेरक सिंह को मिला। 2021 का वर्ल्ड फूड प्राइज है वो किसको मिला है? शकुंतला हेरक सिंह को मिला है। जो कहां से संबंधित? ये डेनमार्क से इनका संबंध है और ये शकुंतला हेरक सिंह भारतीय मूल के हैं लेकिन इनका संबंध डेनमार्क से है। अब इनको क्यों दिया गया? इनने क्या किया था? इनने फिश बेस्ड फूड सिस्टम को डेवलप किया था जिससे क्या हुआ था? खाद्यान्न की कमी की पूर्ति हुई, दूसरी प्रोटीन मिला, न्यूट्रिएंट मिले लोगों को, इसलिए इनको 2021 में वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया शकुंतला हेरक सिंह को, जो डेनमार्क से संबंधित और भारतीय मूल के हैं। ठीक है, भारतीय मूल के हैं। ये 2021 का हो गया, मैं शेयर कर देता हूँ, आप इनको नोट करते जाना साथ में। ठीक, आगे देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट तो यही है 2022 में किसको मिला? सिंथिया रोजेनबर्ग को, और सबसे पहला किस मिला? एम एस स्वामीनाथन। ये आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक इनको भी माइंड में रखना, इनको भी एक दो बार पढ़ लेना ताकि अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप आंसर कर सको, आप लोग आंसर कर सको। 2020 का किस मिला? डॉक्टर रतनलाल। 2020 का वर्ल्ड फूड प्राइज किसे मिला? डॉक्टर रतनलाल
नाम है डॉक्टर रतनलाल को मिला, जो कहां से संबंधित है, इंडिया, इंडिया और यूएसए दोनों से इनका संबंध है। डॉक्टर रतनलाल को 2020 में दिया गया। इन्होंने क्या किया था, सोइल सेंट्रिक अप्रोच, सोइल सेंट्रिक अप्रोच, सोइल सेंट्रिक अप्रोच, मृदा केंद्रित दृष्टिकोण, इसको हिंदी में बोलते हैं मृदा केंद्रित दृष्टिकोण, इन पे ने अध्ययन किया था। क्यों अध्ययन किया था, सोइल के लॉस को रोकने के लिए, सोइल को लॉस को कम करने के लिए, मृदा के संरक्षण के लिए, इसलिए इनने सोइल सेंट्रिक अप्रोच का अध्ययन किया था। इसके लिए 2020 में डॉक्टर रतनलाल को वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया। ठीक है, एक और देख लेते हैं 2014 का एक नाम आपने सुना होगा, डॉक्टर संजय राजा, डॉक्टर संजय राजाराम 2014 में किसको बोला, संजय राजाराम एक भारतीय मूल के संजय राजाराम को मिला 2014 में वर्ल्ड फूड प्राइज। ये क्या है, इंटरनेशनल वीट ब्रीडर है संजय राजाराम। क्या है, इंटरनेशनल वीट ब्रीडर है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संजय राजाराम का संबंध किससे है, तो इंटरनेशनल वीट ब्रीडर है। 2014 में क्या दिया था, वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया था। ये हो गया अपने देख लिया मेजर वर्ल्ड फूड प्राइज के बारे में। अब अपन एक चीज इसमें और मैं आपको बताना भूल गया कि वर्ल्ड फूड प्राइज में सम्मान तो जैसे आप लोगों को नहीं, जिन लोगों को दिया जाता है, हो सकता है आप लोग भविष्य में कुछ ऐसा काम करें तो आप लोगों को भी मिल जाए। मैं वो नहीं बोलता कि आप लोगों को नहीं मिल सकता है, कुछ आप आगे जाकर अच्छा काम करें। अब इसमें सम्मान तो मिलता है, लेकिन इसमें कुछ राशि भी दी जाती है। वो राशि क्या है, वो राशि है $2.5 लाख। कितने डॉलर, 2.5 लाख, 10 लाख, $2.5 लाख $2.5 लाख दिए जाते हैं, $2.5 लाख इस राशि में दिया जाता है वर्ल्ड फूड प्राइज में। तो ये आपको ध्यान रखने में, अपने क्या क्या देख लिया, जीआई टेक के बारे में देख लिया, एमपी में किस किस को जीआई टेक मिला है वो सारा आपने पढ़ लिया, आप उसको कॉपी पेन लेकर अच्छे से नोट कर लेना। दूसरा आपने वर्ल्ड फूड प्राइज के बारे में देख लिया है, वर्ल्ड फूड प्राइज में पहला किसको मिला है, एमएस स्वामीनाथन को 1997 में। 2022 में किसको मिला है वो भी अपने देख लिया, सिंथिया रोजनबर्ग को, ये अपने देख लिया। तो आपको इन सब चीजों को अच्छे से याद रखना है, पहला और अंतिम दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों ही याद रखने हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, पहला और अंतिम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास को अपन यही एंड करते हैं, आगे अपन फिर कंटिन्यू करेंगे। तो आपको पढ़ते जाना है और साथ साथ में इनको नोट डाउन भी करते जाना है। ये कुछ चीजें ऐसी जो आपको बुक में नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो बुक में 50 पेज 100 पेज पलटने के बाद में मिलेगी और एक जगह नहीं मिलेगी। तो आपको उससे अच्छा है कि अगर आप 50-100 पेज अभी पलट सकते हो, लेकिन रिविजन के टाइम जब आपका एग्जाम 15 दिन बचे होंगे, उस टाइम अगर आपको रिविजन करना है, और रिविजन सबसे जरूरी है, तो आप उस टाइम 100 पेज पलटने का आपके पास टाइम नहीं रहेगा। इसलिए अभी नोट डाउन करते जाइए साथ साथ में, कोई टाइम नहीं लगेगा नोट करने में, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे साथ साथ में आपको नोट डाउन करते जाना है। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।